पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम आपसे बताने जा रहे हैं कि सर्दियों में बाल क्यों झड़ते हैं, क्यों बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसका रीजन और इसके क्या उपाय हैं कि आपके बाल ना गिरें, तो सर्दियों में क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सर्दी के दिनों में सिर्फ त्वचा ही नहीं, बाल भी रूखे और बेजान हो जाते हैं और बालों को अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत होती है। सर्द मौसम में बालों का झड़ना एक बड़ी समस्या होती है, जिससे निजात पाना जरूरी है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं बाल झड़ने के कारण और पांच ऐसे कारगर उपाय जिससे कि आपके बाल ना झड़ें। तो बाल झड़ने के प्रमुख कारण हैं आपका तनाव, आपका टेंशन लेना। आपके टेंशन आप लेंगे तो बाल आपके गिरते। दूसरा आता है आपके शरीर के अंदर एनीमिया की कमी होना, एनीमिया की कमी है तो आपके बाल झड़ते हैं। तीसरा रीजन है बालों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आज ये लगा दो, कल वो लगा लो, परसों वो लगा लो, यानी संडे कुछ, मंडे कुछ, ट्यूसडे कुछ, आप बालों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कलर कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो इस कारण भी आपके बाल गिरते हैं। चौथा कारण है विटामिन बी की कमी। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन बी कम है तो भी आपके बाल गिरते हैं। पांचवा कारण है आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी। आपके शरीर के अंदर प्रोटीन कम है तो भी बाल गिरते हैं। छठा कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको थायराइड है तो आपके बाल गिरते हैं। सातवां नंबर है आपके बालों में डैंड्रफ है तो भी बाल आपके गिरते हैं। आठवां नंबर है बोरिंग के पानी से बाल धोना। बहुत जगह पानी बोरिंग का आता है, ज़मीन का आता है, तो बोरिंग का कहीं मीठा पानी होता है, कहीं खारा पानी होता है। अगर आप खारे पानी से आप बाल धो रहे हैं तो भी आपके बाल गिरेंगे, यानी कि झड़ेंगे। नवा रीजन है आपके मम्मी के पिताजी के बाल गिरते हैं तो भी आपके बाल गिरेंगे, यानी इसको बोलते हैं हम अनुवांशिक। दसवां रीजन है बालों का बालों की जड़ों में इन्फेक्शन होना। अगर आपकी बालों के जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। बालों को झड़ने से बचाने के लिए उसके कारण पहचानना जरूरी होता है, तभी उसका उपचार आसानी से हो सकता है। हम आपको पांच ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं, जो बालों को झड़ने से रोकेंगे और आपके बाल नहीं गिरेंगे या गिरना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके बाल ना गिरें। तो पहला उपाय है बालों को पोषण देने के लिए नारियल हर रूप में बेहद उपयोगी है। नारियल तेल को हल्का गर्म करके बालों की जड़ों में मसाज करने से जड़ों को पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं। इसे कम से कम एक घंटा बालों में लगाएं। इसके अलावा नारियल का दूध बालों में लगाकर मसाज करने के एक घंटे बाद बाल धोने से भी लाभ आपको मिलता है। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है गुड़हल के लाल फूलों के लिए वरदान से कम नहीं है। गुड़हल के फूल को पीसकर नारियल तेल के साथ बालों में लगाएं और आधे घंटे से एक घंटे तक बालों में रखें। इसके बाद बालों को धो लें। ये प्रयोग बालों को डैंड्रफ से बचाने के साथ ही मजबूत और चमकदार बालों को बनाता है। तीसरा हमारा उपाय है अंडा। अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, साथ ही इसमें जिंक, मिनरल, सल्फर भी होता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर बालों को मजबूती प्रदान करते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। अंडे के सफ़ेद भाग को जैतून के तेल के साथ अच्छी तरह मिक्स करके बालों को मसाज करें। आधे घंटे या एक घंटे के बाद बालों को धो लें। आपके बाल
चमकने लगेंगे और धीरे धीरे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इस अंडे का प्रयोग हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करें। हमारा चौथा उपाय है, अगर आप करना चाहें लेकिन उसमें थोड़ी सी बदबू आती है, प्याज। प्याज का रस लगाने से न केवल बालों का झड़ना कम होता है बल्कि बालों का फिर से उगना और लंबाई बढ़ना भी शुरू हो जाती है। सप्ताह में 2 बार प्याज के रस का बालों में लगाकर आधे घंटे बाद शैम्पू कर लीजिएगा। यह उपाय बेहद कारगर है और ये कई लोगों के अजमाया गया ये उपाय है। इससे बाल आपके मजबूत होंगे और लेकिन आपके जो बालों की जड़ों तक जो है ना प्याज का रस जाना चाहिए। अगर ऊपर ऊपर रह जाता है तो बाल आपके मजबूत नहीं होंगे, उसका आप ध्यान रखेंगे। हमारा पांचवा उपाय है लहसुन। सल्फर की अधिकता के कारण लहसुन भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे नारियल तेल में पकाकर या फिर इसके जूस को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से आपको फायदा होगा और आपके बाल मजबूत होंगे। ये हमारा था आज का उपाय जो मैंने आपको बताया। सर्दियों में अगर आपके बाल गिर रहे हैं, चाहे वो अनुवांशिक हो या कमजोरी या कोई दूसरा रीजन, हमने आपको 10 उपाय बताए हैं। अगर कोई इसमें से है तो इन उपाय से, जो मैंने आपको 5 उपाय बताए हैं, उससे बालों का झड़ना आपका धीरे धीरे बंद हो जाएगा और बाल आपके मजबूत होंगे, स्ट्रेंथ होगा बालों के अंदर। तो ये उपाय आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।